मैं आपको कहूँ 21 × 22 कितना होता है, तो हम इसका एक ड्रॉइंग से बना कर ही इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? यहाँ पर एक दो, यहाँ पर एक, यहाँ पर दो और यहाँ पर बस दो, तो हमारा आंसर क्या निकल के आया? तो एक दो तीन चार, तो यहाँ पर चार, एक दो तीन चार पाँच छः, तो यहाँ पर छः और यहाँ पर एक दो, मतलब कि दो, तो हमारा आंसर निकल के आया 462। तो गाइज आज हम आपको कोई भी साइंस ट्रिक नहीं दिखाने और सिखाने वाला हूँ, बल्कि आज हम आपको एक अमेजिंग सा मैथ ट्रिक सिखाने वाला हूँ। जी हाँ गाइज, आपको शायद ही पता हो पर साइंस ट्रिक जैसे दिखने में मजा आता है और अमेजिंग लगता है, वैसे ही हमारे जो मैथ ट्रिक्स होते हैं ना, वो भी करने से और जानने से और सीखने से बहुत ही मजा आता है। तो मैंने सोचा एक साइंस ट्रिक की तरह आपको एक मैथ ट्रिक भी दिखा दिया जाए। तो गाइस कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कुछ डिजिट का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, दो डिजिट का या थ्री डिजिट का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, वो करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और कभी कभी गलत भी हो जाता है। तो मैंने सोचा एक ऐसा ट्रिक आपको दिखा जाए जो ऐसे डिजिट का जो नंबर सिस्टम है उसका मल्टीप्लिकेशन निकालना बहुत ही ज्यादा आपके लिए ईजी हो जाएगा। मतलब हम जो गुना करते हैं ना किसी के साथ किसी संख्या का, जैसे दो दूनी चार, तो बहुत ही ज्यादा ईजी है, पर जैसे दो डिजिट का मतलब कि 31 × 34 ऐसे कुछ डिजिट या इससे भी बड़ा जो डिजिट होता है ना, ये थोड़ा सा हमें कुछ कहीं पर ज्यादा सा टाइम लग जाता है ना। तो आज के इस ट्रिक में मैं लिटरली एक ड्राइंग बनाऊंगा, ठीक है, एक लिटरली ड्राइंग बनाऊंगा और उस ड्राइंग से ही हमारा जो आंसर है ना वो हमें पता चल जाएगा। सुनने में भी ये अमेजिंग लग रहा है ना, वैसे ये करने में और आपको सीखने में भी 100% आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। आपको भी पता है कोई भी अच्छी चीज जिंदगी में सीखने से वो बिल्कुल ही बेकार नहीं जाता, कहीं ना कहीं पर तो आपको ये काम आता ही है। तो गाइस आप भी ये सीख के रखो, क्या पता आपका कहीं पर काम आ जाए। तो फिर चलिए ज्यादा हमारा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हमारा जो ट्रिक है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो गाइस यहाँ पर मेरे पास तो ज़्यादा बड़ा डिजिटल बोर्ड नहीं है जहाँ पर मैं आपको ये ट्रिक सिखा सकूँ बड़ी तरीके से ड्रॉ करके, पर यहाँ पर ज़रूर मेरे पास एक मिनी टैबलेट है जो आप मेरा काम आएगा, और इसके बारे में मैंने फुल डिटेल्स में बात की है, इसका रिव्यू अनबॉक्सिंग एंड पूरी फीचर्स के बारे में बात की है मेरे पिछले वाले वीडियो में। अगर आपने अगर मेरा वो वाला वीडियो मिस कर दिया है तो मैं उस वीडियो का लिंक आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वहां से इसको देख सकते हो। तो चलिए फिर आज का ट्रिक शुरू करते हैं। क्या करेंगे, पहले तो सबसे छोटे छोटे दो संख्या लेंगे, छोटे छोटे दो डिजिट का मल्टीप्लिक निकालेंगे और देखेंगे कि हमारा जो ट्रिक है वो सच में काम कर रहा है या नहीं। तो पहले तो हम लेंगे 2 × 2, मतलब कि 2 × 2, इसका आंसर तो आप सबको पता है, पर क्या हमारे ट्रिक से भी वही आंसर निकलेगा जो इसका सही आंसर है? तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, यहां पर देखिए 2 है तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर दो लाइन ऐसे टानेंगे, ठीक है, और यहां पर 2 है तो हम क्या करेंगे, यहां पर क्रॉस 2 है तो हम सीधा यहां पर 2 ऐसे लाइन खींच लेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा गाइज, यहाँ पर जितने जगह पे हमारा ये दो लाइन काट गया है बस वही है हमारा आंसर। तो कितने जगह पे, 1, 2, 3, 4, मतलब कि 4 जगह पे दो लाइन मिल रहा है, तो हमारा आंसर कितना हुआ, 4। तो ये रहा हमारा पहला आंसर, और आपको भी पता है 2 × 4 ही होता है, तो ये ट्रिक बिल्कुल ही सही काम करता है। अब हम क्या करेंगे, हम दो डिजिट का दो नंबर लेंगे और उनका भी हम मल्टीप्लीकेशन यही तरीके से निकालेंगे। तो लाइक हम एज्यूम करते हैं 21 × 21, इनका हम वही तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ पर 2 लिखा है तो हमें क्या करना होगा, पहले तो हमें 2 ऐसे लाइन ऐसे हमें खींचना पड़ेगा, और अब 1 लिखा है मतलब कि थोड़ी ही दूरी में हमें और 1 लाइन खींचना पड़ेगा। अब हो गया यहाँ पर सीधा लाइन, अब क्या होता है कि हमारे यहाँ पर 2 लिखा है तो अब हम सीधा सीधा 2 लाइन यहाँ पर खींच लेंगे, ठीक है, और अब 1 लिखा है मतलब कि थोड़ी दूरी पर बस 1 लाइन खींच लेंगे। और अब इसका आंसर निकलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर जितने लाइन टच किया है वो वाला और यहाँ पर जितने लाइन टच किया है वो वाला निकालेंगे, और यहाँ पर जो लाइन टच किया है वो एक साथ निकालेंगे, ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर कितने जगह पे टच किया है, 1 जगह पर, तो यहाँ पर 1 आ गया। यहाँ पर कितने जगह पे, दोनों जगह पे मिला के 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर हमारा 4 आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर 4, मतलब कि हमारा आंसर कितना हुआ, तो हमारा आंसर निकल गया 4, 4, 1, ये रहा हमारा आंसर। तो गाइस अगर आप 21 × 21 यहाँ पर अगर करोगे तो यहाँ पर भी 4, 4, 1 ही निकलेगा, मतलब कि हमारा जो ट्रिक है वो बिल्कुल सही है। कुछ और डिजिट का हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं, तो लाइक हम 3, 4 × 4, 3, इसका हम मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं वही ट्रिक लगा के, ठीक है, तो यहाँ पर 1, 2 और 3 यहाँ पर, और यहाँ पर है 4, तो मतलब कुछ देर बाद यहाँ पर 1, 2, 3, 4 हो गया, यहाँ पर है 4, तो 1, 2, 3, 4 और 3, मतलब कि कुछ
दूरी पर 3 ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। तो आप गिनते हैं कि कितने जगह पे टच किया है, तो यहाँ पर एक आ गया, ये मेरा आंसर, ये तो दोनों एक साथ गिनना पड़ेगा और बस एक यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कितने लाइन टचेस किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पर 12 मतलब कि 12 का जो 2 है वो हम लिखेंगे और एक जो है इसके साथ जोग हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने लाइन टचेस किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। यहाँ पर 16 और यहाँ पर 17 18 19 20 21 22 23 26 25, ठीक है। तो यहाँ पर 25 और हमारे पास एक था पहले से ही, तो 26, तो 26 का जो 6 है वो हम लिखेंगे और 2 इसके साथ जोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितने लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 और इसका 2 मतलब कि 14। तो हमारा आंसर कितना निकल गया, तो हमारा आंसर निकल गया 1462, हम ये हमारा फाइनल आंसर है। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारा जो आंसर निकला है वो सही निकला है या गलत, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, 34 × 43, ओके, तो कितना निकल गया, 1462। यहाँ पर भी हमारा आंसर वही निकला है, मतलब कि हमारा आंसर बहुत ही सही है और हमारा ट्रिक भी सही से काम कर रहा है, तो इजीली आप ये निकाल सकते हो। ओके, तो गाइस हमारा जो 1 वाला डिजिट था और 2 वाला डिजिट था वो तो बहुत ही ईजी था, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा 3 डिजिट वाला नंबर है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और वो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, तो ये थोड़ा सा समझ लेना आप, ठीक है। तो लाइक हम ले लेते हैं 211 × 311, ओके। तो हमारा ट्रिक क्या कहते हैं कि यहाँ पर 2 है तो हम हॉरिजॉन्टली 2 लाइन ऐसे खींच लेंगे, और अब है 1 तो यहाँ पर थोड़ी दूरी में 1, और बस यहाँ पर 1 तो और थोड़ी दूरी में 1 हो गया। यहाँ पर क्रॉस के बाद हमारा कैसा होता है, हमारा वाटी के लिए होता है, तो यहाँ पर 3 है तो हम 3 यहाँ पर कर लेंगे, 1 2, और बस ये हो गया हमारा 3 हो गया। अब क्या है 1, तो यहाँ पर 1 आएगा थोड़ी दूरी पर, और 1 मतलब यहाँ पर 1 आएगा और 1, ठीक है। तो हमारा आंसर कैसे निकलेगा इस, तो इसके लिए हमारा क्या होगा, ये वाला हमें सिंगल काउंट करना पड़ेगा और ये लास्ट वाला हमें सिंगल काउंट करना पड़ेगा, और उसके बाद ये जो वाला है हमें डबल काउंट करना पड़ेगा, मतलब कि एक साथ काउंट करना पड़ेगा, और ये वाला हमें एक साथ काउंट करना पड़ेगा, और ये वाला एक साथ काउंट करना पड़ेगा, और बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले तो ये देखते हैं कि एक जगह पे टच क्या है, तो यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर कितने जगह पे 1 और ये 1 मतलब कि 2 आ गया, यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 आ गया, इसके बाद 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 आ गया, और लास्ट में 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 आ गया। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया, तो हमारा जो आंसर निकल के आया वो है 6, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 2, और उसके बाद 1। तो हमारा जो फाइनल आंसर निकला वो है 6 5 6 2 1, ये है हमारा आंसर। तो क्या ये सही निकला, तो चलिए फिर देख लेते हैं। तो हमारा था 211 × 311, ओके, तो हमारे क्या है 6 5 6 2 1, हमारा वही आंसर आया है 6 5 6 2 1, मतलब कि ये ट्रिक बिल्कुल सही है। तो गाइस इस तरीके से आप किसी भी जो डिजिट होता है उसका मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हो। गाइस अगर आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड या ट्रिकी लग रहा है, तो ये बिल्कुल भी ट्रिकी या कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप 2-4 बार ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये बहुत आसान भी लगेगा और आप ये इसको क्विकली भी बहुत ही ज़्यादा सॉल्व भी कर पाएंगे। तो गाइस आई होप वीडियो आपको अच्छे लगे हो, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट में ये जरूर बताना कि क्लास 10th में आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था। वैसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था हिस्ट्री, आपका कौन सा था वो कमेंट पे जरूर बताओ। बस यार गाइस आज के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ आपके साथ साइंस की ऐसे मजेदार वीडियोज के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए, जय हिंद जय भारत।